फैक्ट नंबर वन गाइस, वो कहते हैं ना कि जब बदकिस्मती अपना रंग दिखाती है तो राजा भी रोड पर आ जाता है। एक ऐसी कहानी है अफगानिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी की, जो आज 88 साल की उम्र में अफगानिस्तान की सड़कों पर रेड़ी लगाकर फल बेच रहा है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं, ये बुजुर्ग शख्स जनरल शाह महमूद नियाजी है, जो किसी जमाने में अफगानिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर हुआ करते थे और उन्होंने 1990 तक सेना में अपनी सेवाएं भी दी थी। दरअसल इंग्लैंड की रॉयल मिलिट्री एकेडमी से 1958 में ग्रेजुएशन करने के बाद वो अफगानिस्तानी सेना में भर्ती हो गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि उनके दो बेटे अफगानिस्तान की सिविल जंग में मारे गए थे और तभी से उन दोनों बेटों के परिवारों की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई। यही नहीं, इतना सब होने के बावजूद भी महमूद जी ने किसी से मदद नहीं मांगी और खुद ही अपने दोनों बेटों के परिवारों का पेट पालने के लिए रेड़ी लगाकर फल बेचना चालू कर दिया। पर गाइस, महमूद जी का ये खुददारी वाला जज्बा आज सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर टू गाइस, जब बात किसी देश की बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम की आती है तो सबसे पहले ख्याल यूएस यूके के अलावा जर्मनी का आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के 50% स्टूडेंट्स अपने कॉलेज की थ्योरेटिकल स्टडीज के अलावा हर साल वोकेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, जिसमें एक छात्र लगभग 326 प्रोफेशनल कोर्सेज चुन सकता है। इसमें डायमंड कटिंग, एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स और चिमनियों की कारीगरी जैसे कई कोर्सेज शामिल हैं और ये सारी ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में दी जाती है। यही नहीं, अच्छी स्किल और बुनियादी ट्रेनिंग के चलते युवा किसी एक नौकरी तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि वो इन ट्रेनिंग के बलबूते बड़ा स्टार्टअप भी बना लेते हैं। इसीलिए जर्मनी की यूनिवर्सिटी से ज्यादातर छात्र वोकेशनल और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम चुनते हैं। और अब तो भारत, मेक्सिको और रूस जैसे देश भी वेट सिस्टम अपनाने में जर्मनी की मदद ले रहे हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्कर ऐप भी आपके लिए लेकर आया है स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिन्हें सीखकर आप भी इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में एंटर हो पाएंगे। तो आज ही डाउनलोड कीजिए कॉन्कर ऐप गूगल प्ले स्टोर से एंड एप्पल ऐप स्टोर से, क्योंकि हर जगह है जल, सीख ले कौशल। फैक्ट नंबर थ्री गाइस, हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल गूगल YouTube, Gmail, Google Maps और Play Store जैसे अपने कई प्लेटफॉर्म की मदद से आपके सारे डेटा को कलेक्ट कर लेता है, जिससे Google को काफी एक्यूरेटली आपकी एजुकेशन, इनकम, फूड प्रेफरेंस, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, आपकी लोकेशन के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, यहाँ तक कि आपके बच्चे हैं या नहीं, इन सारी चीजों के बारे में पता लग जाता है। और इसी का फायदा गूगल अपने बिजनेस के लिए उठाता है, जहां वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके डेटा को यूज करके आपको ऐसी एड्स दिखाता है जो कि आपको पसंद होंगी, जिससे उन एड्स पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो इस चीज का अपने क्लाइंट से अच्छा खासा चार्ज करता है। गाइस, कुल मिलाकर गूगल ने आपकी प्राइवेसी से ही अपना बिजनेस मॉडल खड़ा किया है और इसी वजह से वो इतना सक्सेसफुल है। क्या आपको इसके पहले तक ये इन्फॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फैक्ट नंबर फोर गाइस, रतन टाटा जी को भारत का रतन भी कहा जाता है, और कहा भी क्यों ना जाए, उन्होंने देश को इतना कुछ जो दिया है। आज पूरे टाटा ग्रुप में कुल मिलाकर 80 कंपनियां हैं और लगभग 15 से 16 कंपनियों में तो फॉर्च्यून 500 कंपनियों की लिस्ट में भी शामिल है। लेकिन आपने कभी सोचा रतन टाटा जी सारी बोर्ड मीटिंग्स को, इतने बड़े ग्रुप को कैसे संभालते होंगे? इसका एक सीधा सा जवाब है, एंड दैट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा जी एक साथ 4 बोर्ड मीटिंग्स को संभालते थे, क्योंकि उन्हें टाइम मैनेज करना आता है। रतन टाटा जी जब ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर अपनी गाड़ी में उस दिन की मीटिंग वाली फाइल को देखते हैं और तब वो जान पाते हैं कि उस दिन की मीटिंग का विषय क्या है और उसे किस तरह एक ही टाइम में खत्म किया जा सकता है। और इसी टाइम मैनेजमेंट की कला की दम पर आज वो देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित बिजनेस आइकन है। दोस्तों, अगर आप भी इस टाइम मैनेजमेंट की कला को सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे टाइम मैनेजमेंट कोर्स को एनरोल कीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जानिए टाइम को मैनेज करके कैसे लाखों रुपए कमाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।